सब्जेक्टिव वाले पार्ट, सब्जेक्टिव वाले पार्ट में इसमें अगर डाउट नहीं है तो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट टू वाले पार्ट में अगर किसी को डाउट है तो बताओ। होमवर्क तो बहुत सारा दिया था बॉन्ड एंगल में। बोलो भाई डाउट बताओ। फिजिक्स से और किसी को कोई डाउट ही नहीं है, बाकी लोग बना के नहीं है, ऑब्वियसली बात है होमवर्क एकदम नालायक लोग है सब सब। और रवि तुम तो जो क्वेश्चन भेजा था उसमें कौन से क्वेश्चन में डाउट था? सो फर्स्ट वाला मैंने एक क्वेश्चन भेजा था। अच्छा जो सिमेट्रिकल डायग्राम वाला पार्ट दे रखा था। यस सर। ये एक और भी सवाल पूछा था जी एडवांस में, इस बार रखा है, एक मिनट स्क्रीन पे शेयर कर रहा है। सो वही वाला, एक मिनट। कहाँ गया भाई? इस बार जेई एडवांस में आ रखा सवाल, इसमें गैसीय स्टेट से एसोसिएटेड सवाल था। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। जनरल आंसर्स कुछ चेंजेस हो? एकदम चेंज है, जनरल आंसर से बहुत चेंज है। जे एडवांस पे सर एक सवाल पूछा जा चुका है, उसका वही इसको सवाल था भाई। ये सवाल इस बार के जे एडवांस का सवाल है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड वाला पार्ट जो सबसे ऊपर में दे रखा है। यार इमेज का क्वालिटी इतना खराब क्यों है? ठीक है, सवाल ऐसा कुछ दे रखा है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ अ गैस इज एज पर द फिगर बिलो, तो उस केस में जैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में दे रखा और यहाँ राइट साइड में स्पीड वाला पार्ट दे रखा है। अगर गैसीय स्टेट में ये वर्ड सुन रखा होगा, मेरे सब सब तक सुन लिया होगा तुम लोग, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इस केस में जैसे हम लोग का जो मैक्सवेल इक्विपार्टीशन कर्व होता है, मैक्सवेल इक्विपार्टीशन कर्व बोलो या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलो, ये दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग। ऑल्दो मोस्टली इस पार्ट को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में यूज करते हैं, बट फिर भी गैसीय स्टेट में इसका छोटा सा एप्लीकेशन है। बेसिकली हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जब भी ये गैसीय सिस्टम वाला पार्ट होगा तो उस गैसीय सिस्टम वाले पार्ट में तीन तरह की वेलोसिटी एसोसिएट कर सकते हैं, आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दूसरा एवरेज स्पीड और तीसरा एमपीएस। जैसे अगर मान लो कि हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स है, मान के चलते हैं मतलब, तो इस केस में जो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे अगर उसमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का मतलब हम लोग मीन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, जो 10th क्लास में एवरेज निकालना हम लोग सीखे हैं वही चीज है यहाँ पे। तो वी एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी 1, मतलब वी 1 वेलोसिटी के एक्वायर किए हुए कितने पार्टिकल्स है। जैसे मान लो टोटल 100 पार्टिकल्स में 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 10 पार्टिकल है तो 10 इंटू 10 कर सकते हैं, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी मान लो 10 पार्टिकल है तो 10 इंटू 2 कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद अ सर्टेन वेलोसिटी वाला पार्ट, तो इंटू V2 ले लिया यहाँ पे, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर्टेन वेलोसिटी, ऐसा करके हम लोग आराम से टोटल वेलोसिटी वाला पार्ट ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवरेज निकालने का यही तरीका होता है बेसिकली, ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकल के आता है।
जब हम लोग रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात करते हैं तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड वाले पार्ट का मतलब उल्टा समझना, जैसे आर एम एस में रूट मीन स्क्वायर स्पीड है तो पहले स्पीड का स्क्वायर करो, उस स्क्वायर वाले स्पीड का मीन निकालो और उसका फिर रूट निकालना है। तो जैसे अगर हम लोग का वेलोसिटी वाला पार्ट v1 है, v2 है, v3 है ऐसा दे रखा, तो इस केस में v1 स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगा, v2 स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगा, v3 स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगा, इस टाइप से हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी निकालना है, फिर उसका मीन निकालना है। तो मीन में जैसे n1 v1 किया तो n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर, इस टाइप का पार्ट लेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, ऐसा कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग अभी के लिए स्क्वायर स्पीड का मीन बोलेंगे और उसका रूट निकालना है। तो इस केस में इस वाली चीज का रूट निकाल लो, इस चीज को हम लोग आराम से वी आर एम एस बोल सकते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग का ये है कि हम लोग का वी आर एम एस क्या होगा, और इसके अलावा एमपीएस, एमपीएस नाम काफी सफिशियंट है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ऐसा कुछ समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 5 पार्टिकल है, एक का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, एक का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, अगले का वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकंड है, एक का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, एक का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, मान के चल लेते हैं। तो इस केस में मतलब अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज के लिए अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इस केस में आराम से एक पार्टिकल इंटू 2 प्लस दो पार्टिकल इंटू 3 प्लस एक पार्टिकल इंटू 4 प्लस एक पार्टिकल इंटू 5 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 5 कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन का तरीका सिंपल सा है, बट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऐसा कुछ बोल रहा है कि अगर मान लो जैसे हम लोग इन इस बॉक्स में से कुछ पार्टिकल्स को पुल अप किए, तो एक पार्टिकल अगर निकाले तो क्या चांसेस है कि हम लोगों को सिमिलर टाइप का वेलोसिटी मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। रैंडमली अगर पार्टिकल को हम लोग पिकअप कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा चांसेस या सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन से वेलोसिटी के मिलने की है, तो ऑब्वियस ही बात है जिस वेलोसिटी को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल एक्वायर करेंगे दैट इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर मान लो कि अगर 10 पार्टिकल में 5 पार्टिकल एक वेलोसिटी एक्वायर कर रखा है और बाकी 5 पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी एक्वायर कर रखे हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो 5 पार्टिकल कॉमन वेलोसिटी रखे थे वो हम लोग को जल्दी ज्यादा ज्यादा मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल विद कॉमन स्पीड, उस चीज को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोल सकते हैं। जैसे अगर एक पार्टिकल हम लोग पिक किए तो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड एक ही पार्टिकल का मिलेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी 1/5 है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बाय टोटल नंबर ऑफ अकरेंस। अगर 3 मीटर पर सेकंड का स्पीड चाहिए अपने को, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 मीटर पर सेकंड आएगा, तो टोटल 2 पार्टिकल्स बाय 5 कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से 4 मीटर पर सेकंड में 1/5, 5 मीटर पर सेकंड में भी 1/5, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम लोगों को 3 मीटर पर सेकंड मिलने का है, इसका मतलब हम लोगों का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आराम से 3 मिलेगा। तो जिस पार्टिकल को या फिर जिस वेलोसिटी को मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल एक्वायर कर रखे हैं उसी से हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालेंगे। तो जैसे ये जो कर्व वाला पार्ट होता है, इन जनरल कर्व में जो हम लोग का डायग्राम निकल के आता है वो ऐसा कुछ निकल के आता है, नीचे हम ड्रॉ कर रहे हैं। इन जनरल ये जो ग्राफ वाला पार्ट होता है वो इन्फिनिटी पे जाके मैच करता है, और एक साइड में लेफ्ट साइड में हम लोग का फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल और नीचे वाले साइड में वेलोसिटी वाला पार्ट। तो जैसे एक चीज ध्यान रखना, वी आर एम एस स्पीड एवरेज स्पीड, एक तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आर एम एस स्पीड वाले पार्ट को जब कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है रूट अंडर 3 RT/m, फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, जहाँ पे टी वाला पार्ट टेम्परेचर होता है, एम वाला पार्ट मोलर मास होता है, आर वाला पार्ट गैसेस कांस्टेंट होता है। अगर एवरेज स्पीड निकालते हैं तो रूट 8 RT/πm होता है, और जब हम लोग एमपीएस निकालते हैं तो उस केस में रूट अंडर 2 RT/m होता है। सबसे पहला चीज अगर इन सब केसेस को कंसिडर करें तो उस केस में तीनों के वेलोसिटी का जो ऑर्डर है वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा वेलोसिटी का ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो ऐसा याद रख लेना। आर वाला पार्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर एवरेज वाला पार्ट, फिर एमपीएस वाला पार्ट। तो उसमें ऐसा कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ RT/m हर जगह दे रखा है, इधर 3 दे रखा है, इधर 2 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है आरएमएस एमपीएस से तो ज्यादा होगा। और 8/π का मतलब 8/3.14 जब करेंगे तो 2 समथिंग आएगा, तो 3 से छोटा है बट 2 से बड़ा है, इसका मतलब एवरेज बीच में आएगा, तो इससे ध्यान रखना।
आरएमएस सबसे ज्यादा, फिर एवरेज, उसके बाद हम लोग एमपीएस की बात कर सकते हैं। तो एक चीज तो ये, जैसे इस ग्राफ को अगर कंसिडर करें तो इस ग्राफ वाले पार्ट में हम लोगों का वेलोसिटी बढ़ रहा है, और दूसरा भी हम जो एमपीएस की बात किए थे, तो एमपीएस का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जिस वेलोसिटी पे रह रहे हो। तो जैसे हम एक छोटा सा सीन लेके चलते हैं, मान लो ये वेलोसिटी हम लोग मेंशन करते हैं v1, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ज्यादा पार्टिकल ज्यादा फ्रैक्शन। तो इस केस में हम लोग के इस ग्राफ में जो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है वो यहाँ पे कहीं f1 निकल के आएगा। मान लो v2 वेलोसिटी की बात करते हैं, तो उससे करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन f2 निकल के आएगा। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर हम लोग जाएं, तो इस केस में हम लोगों का फ्रैक्शन f3 लेकर के चल लेते हैं। इसके अगर आगे जाएंगे तो आगे जाने पर हम लोगों का फ्रैक्शन वाला पार्ट बढ़ने की बजाय फिर से घट रहा है। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोगों को इस पॉइंट पे मिल सकता है। तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा, ये v3 वाला पार्ट, ये वेलोसिटी वाला पार्ट ही अपना एमपीएस निकल के आने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल जो कॉमन वेलोसिटी को रखे रहेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इस केस में इस चीज को हम लोग वी एमपीएस बोल सकते हैं, ये सबसे टॉप मोस्ट वाला जो पॉइंट है, पहला चीज। अब उसके बाद हम लोग इससे रिलेशन निकाल सकते हैं, आरएमएस में, एवरेज में और एमपीएस में, हम लोग एमपीएस सबसे छोटा वेलोसिटी था, सबसे छोटा वेलोसिटी मतलब लोगों को वेलोसिटी में और आगे की तरफ जाना है, और इससे हायर वेलोसिटी एवरेज है, उससे हायर वेलोसिटी आरएमएस है। तो इस केस में हम लोगों के इस स्लैंट वाले साइड में कहीं पे हम लोग आराम से एवरेज वाले पार्ट को डाल सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ साइड में वी एवरेज, और कहीं पे हम लोग आरएमएस वाले पार्ट को डाल सकते हैं, ये वेलोसिटी वाला पार्ट हम लोग का वी आरएमएस कंसिडर किया जा सकता है। तो ग्राफ को याद रखने का तरीका ध्यान रखना, जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे करस्पॉन्डिंग हम लोगों का एमपीएस निकल के आएगा, उससे जस्ट आगे एवरेज, उससे जस्ट आगे हम लोग का आरएमएस निकल के आने वाला है। ये हम लोग का जनरल ग्राफ का एक्सप्रेशन होता है। कुछ कुछ और भी चीजें होती है जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर उस चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो ये चीज होता है कि जैसे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लो यहाँ टेम्परेचर वाले पार्ट को इंक्रीज किए, तो अगर टेम्परेचर वाले पार्ट को इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोगों का जो क्या बोल सकते हैं, मतलब टेम्परेचर वाले पार्ट को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम लोगों का वेलोसिटी वाला पार्ट इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो ये जो वेलोसिटी का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये आगे बढ़ जाना चाहिए, इसपे वेलोसिटी को हम लोग को बढ़ाना है। एमपीएस बढ़ेगा, आरएमएस बढ़ेगा, एवरेज स्पीड बढ़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस ग्राफ के अंदर का जो टोटल एरिया होता है, एरिया मतलब हम लोग एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर का जो टोटल एरिया है, ये एरिया हमेशा कांस्टेंट होता है। ये एक चीज का, इस एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना। तो अगर इस ग्राफ का एरिया कांस्टेंट रखना है तो फिर हम लोगों को थोड़ा शेप को डिस्टॉर्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ग्राफ का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये नीचे और आगे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आएगा। अगर हम लोग टेम्परेचर वाले पार्ट को बढ़ाएंगे तो ग्राफ वाला पार्ट थोड़ा आगे की तरफ चला जाएगा। यहाँ T1 टेम्परेचर ले लेते हैं या T2 टेम्परेचर, तो उस केस में T2 विल बी ग्रेटर देन T1। ग्राफ के नीचे का एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और एक्चुअल में जब हम लोग इस फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इसके बीच में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ग्राफ का जो एरिया है उसका यूनिट 1 निकल के आता है, उसका वैल्यू 1 निकल के आता है। जो भी यूनिट लेना है उसमें वैल्यू 1 निकल के आएगा। तो ग्राफ का एरिया कांस्टेंट होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे ग्राफ नीचे और आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, इस एक चीज का ध्यान रखना है। बट ऊपर जो सवाल में चीज दे रखा है, यहाँ पे ऐसा दे रखा है कि जो ग्राफ वाला पार्ट है, अगर ढंग से देखो तो जैसे यहाँ पे जो ग्राफ है इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में जाओ और राइट साइड में जाओ तो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल ग्राफ दे रखा है। हम लोग का जो यहाँ पे ग्राफ है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, ग्राफ वाला पार्ट यहाँ करके रुक जा रहा है, मतलब जीरो से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, और मिड पॉइंट यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, यहाँ एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट। तो अगर हम लोग का ग्राफ सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल होने का मतलब है एवरेज, अगर सिमेट्रिकल चीजें जैसे ना मान लो 0 और 10, तो 0 और 10 का एवरेज क्या होगा, 5। अगर मान लो 2 और 8 का लेते हैं हम लोग, तो 2 और 8 का एवरेज कितना निकल गया, तो 2+8 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, तभी भी 5 निकल के आएगा। तो जब भी कभी हम लोग सिमेट्रिकल चीजों को रखा करते हैं तो सिमेट्रिकल चीजें हमेशा मिड पॉइंट ही एवरेज बनाती है। तो इसका मतलब अगर ये ग्राफ सिमेट्रिकल है तो जो मिड पॉइंट होगा वही चीज हम लोग का एवरेज स्पीड निकल के आएगा। और मिड पॉइंट पे हम लोग का टॉप मोस्ट पॉइंट है,
तो एमपीएस भी वही निकल के आने वाला है. तो इस केस में एवरेज स्पीड वाला पार्ट भी यहीं पे आ गया, एमपीएस स्पीड वाला पार्ट तो यहाँ पे पहले से होना ही चाहिए था, बट आरएमएस यहाँ पे नहीं हो सकता. आरएमएस स्पीड वाला पार्ट तो हम लोग का अलग निकल के आएगा. तो इस केस में आरएमएस स्लैंड पे कहीं पे निकल के आ जाना चाहिए. आरएमएस सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी होगा, ये हम लोग को मालूम है. तो इस केस में आराम से हम लोग इस ग्राफ में वी एमपीएस विल बी इक्वल टू वी एवरेज कंसिडर कर सकते हैं. और ऊपर निकालने बोला है देन द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड. तो मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज वाले पार्ट को पहले निकालने बोला है. तो इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे, ये रेशियो ये इज टू वी आर एम एस, तो ये दोनों अगर बराबर है इसका मतलब 1:1 रेशियो होना चाहिए. जैसे 1:1 रेशियो वाला पार्ट, जैसे ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एक रेशियो अलग है. यहाँ वाले पार्ट 1:1 रेशियो दे रखा और उसके अलावा यहाँ पे वैल्यू 1.224. नीचे वाले थर्ड ऑप्शन में 1:1 कहीं दे नहीं रखा. अगर इस ग्राफ में सिमेट्रिकल नेचर नहीं होता तो सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए था, लेकिन ग्राफ में सिमेट्रिकल नेचर है तो एवरेज और एमपीएस हम लोग का सेम निकल के आ गया. 1:1.128:1 दे रखा. तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मालूम है कि हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज को बराबर देना है. इसका मतलब 1:1 पहले होना चाहिए, ऑप्शन बी वाला पार्ट आंसर कंसिडर करना चाहिए अपना. और कोई डाउट इसके अलावा? सर ये जो कॉन्सेप्ट है सर इस चैप्टर में कहाँ मिलेगा? गैसीय स्टेट में कंसीडर कर सकते हैं. इधर गैसीय स्टेट में थोड़ा सा इसका डिस्कशन मिलेगा. एक्चुअल में गैसीय स्टेट में हम लोगों को केवल ये तीन वेलोसिटी से मतलब होता है, बट अभी फिजिक्स में जब तुम लोगों का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आएगा KTG, तो KTG वाले पार्ट में तुम लोगों को ये ग्राफ डिटेल में डिस्कस किया जाता है. वहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है उस चीज के बारे में भी कमेंट किया जाता है. ऑल्दो गैसीय स्टेट में भी तुम्हारा जो ये है PV=nRT, वो इसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाले पार्ट से डिराइव किया गया है. तो वहाँ पे एक डेरिवेशन का पार्ट दे रखा है, वो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है. हम लोग केमिस्ट्री में उस चीज को डील नहीं करते हैं प्रेफरेबली. हम लोग केवल तीन वेलोसिटी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बस ये चीज बताते हैं, टॉपिक हम लोग का कम्प्लीट हो जाता है. बट फिर भी ये ग्राफ हम नॉर्मली डिस्कस कर लिया करते हैं क्लास में. ये तुम्हारे फिजिक्स में आ जाएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में तो वहां पे डिस्कस होगा ना. और ये सब बुकलेट से था सर, क्वेश्चन नंबर 86 एक्सरसाइज 2 का. एक्सरसाइज 2 का हाँ, ये तुम्हारे क्या बोलते हैं बुकलेट 2 का ना? यस सर, बुकलेट 2 के एक्सरसाइज 2 का कि एक्सरसाइज 1 का? सर 2. अच्छा पहले एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 है क्या? नहीं तो एक्सरसाइज 1 है यार. एक्सरसाइज 2 का 86 में क्या है? 86 हाँ बोलो. इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो सर जिस फॉर्मूला से बनाया था सर उसमें सारे का बाल में बोल रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन सिंगल एटम इज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 अगर कंसिडर करें, N2O6 दे रखा है. N2O6 अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है. N2O4 तो ये हो जाएगा. N2O6 कौन सा कंपाउंड है भाई? N2O6 तो आज तक हम कंपाउंड नहीं सुना है. इसमें इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा N2O6 में. चलो ठीक है, अगर N2O6 कंसिडर करते हैं तो उस केस में हम लोग का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट है, तो एक चीज ध्यान होगा तुम लोगों को, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है और जो लोन पर कोऑर्डिनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज, दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज. तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले पार्ट को हम लोग आराम से प्लस और माइनस के फॉर्मेट में डाल सकते हैं. अब एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहाँ पे, सॉरी दो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर +2 चार्ज आएगा. तीसरा बॉन्ड ब्रेक करेंगे +1 चार्ज आएगा. इधर का एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो +1 चार्ज आएगा. और यहाँ पे एक +1 चार्ज पहले से है तो उसके हिसाब से हम लोग आराम से +2, +1, +1 इसमें तो हो ही नहीं सकता. वैसे ठीक है, सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास नाइट्रोजन में 5 है तो इसमें तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता. अरे यार, हम लोग जितने मैक्सिमम सेंट्रल एटम कंसिडर करेंगे, सॉरी सेंट्रल एटम के ऊपर जितने मैक्सिमम हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे उतना ही हम लोग रिमूव कर सकते हैं. तो इस केस में हम लोगों के नाइट्रोजन वाले पार्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट
5 ही है तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 6 कभी भी नहीं हो सकता। CrO5 का स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसके इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, एक बॉन्ड ब्रेक किया, दो बॉन्ड ब्रेक किया, 3, 4, 5, 6, तो ये आंसर हो जाना चाहिए। S3PO5 अगर S3PO5 दे रखा है, ओके ठीक है, S3PO5 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके इसमें P डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा और एक तो हम लोगों का 3 OH ग्रुप होना चाहिए, 3 OH ग्रुप हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 OH ग्रुप अगर कंसिडर करेंगे तो भी इसमें आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस वाले पार्ट में हम लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 5 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो मैक्सिमम 5 ही इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा, बाकी इसमें एक परऑक्साइड बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, अदरवाइज बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और H2H2O8 इसका स्ट्रक्चर तुम लोगों को बता रखे है और बाकी कैलकुलेशन अगर करना है तो स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ आंसर आएगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH और बीच में यहाँ पे ऐसा कंसिडर करते हैं, तो सल्फर का ऑक्सीजन के साथ टोटल 6 बॉन्ड है तो +6 ले सकते हैं आराम से, ये डी ऑप्शन का आंसर होना चाहिए, बी और डी ऑप्शन। और कोई डाउट? अगर ये समझ आया नहीं आया वो तो फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भी जल्दी, और कोई डाउट? जो क्या मतलब समझ में आता है? कुछ हिंट हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिल चुका है, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 2-, और बोला था जब भी कभी ऑक्सीजन का सल्फर बढ़ाता है तो थायो लगाते हैं हम लोग, उसमें बोल रखा है मोनोथायो, या ओ होना चाहिए, मोनो वर्ड होना चाहिए पूरा कम्प्लीट, मोनो थायो, मतलब इसमें से किसी एक ऑक्सीजन की जगह पे हम लोग सल्फर डाल सकते हैं, तो उसके इसमें CO2S 2- कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली सोच लो कि अगर कार्बोनेट आयन है तो कार्बोनेट आयन वाला पार्ट ऐसा कुछ है, तो अगर हम लोग को सल्फर डालना है तो तीनों में से कहीं एक जगह सल्फर डाल सकते हैं, बट कार्बन हमेशा सेंट्रल एटम होगा, तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता, सल्फर ये भी आंसर हो नहीं सकता, कार्बन कभी भी 6 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये भी आंसर हो नहीं सकता, बचा अपना फोर्थ ऑप्शन वाला पार्ट, ये कंसीडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 190 के अलावा क्वेश्चन नंबर, दिवाली में सब पार्टी कहां से कर रहा है भाई, बताओ क्वेश्चन नंबर 190 के अलावा। सो 195 वाले पार्ट में करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो बन जाना चाहिए था यार, दिमाग लगाना चाहिए था, कार्बन मोनोक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आएगा, CO2 वाले पार्ट का बॉन्ड ऑर्डर अगर कैलकुलेट करेंगे तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल के आएगा, और कार्बोनेट आयन अगर कंसिडर करे तो हम लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, लाइट गया, लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे एक पाई बॉन्ड 3 जगह जा सकता है, यहाँ पे 3 जगह पॉसिबिलिटी है, तो अगर मान लो कि एक पाई बॉन्ड वाला पार्ट 3 जगह जाएगा तो ऑन एन एवरेज हर जगह कितना जाएगा, तो ऑब्वियस बात है 1/3, 1/3, 1/3 लेके डाल सकते हैं, तो इस केस में एक बॉन्ड है प्लस एक पाई बॉन्ड का 1/3, तो बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 1+1/3 कंसिडर कर सकते हैं, फिर 0.33 कंसिडर कर सकते हैं, बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर वाला पार्ट 1.33 निकल के आना चाहिए, तो हम लोगों के कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, CO2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर निकल के आएगा, और CO3 2- में बॉन्ड ऑर्डर 1.33 निकल के आना चाहिए। सवाल में बॉन्ड एनर्जी पूछा है, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी उतना ही हाई होगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कार्बन मोनोऑक्साइड में होना चाहिए, ऐसा हम लोग को थर्ड ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन सी कंसिडर किया जा सकता है।
बताओ जल्दी और कोई डाउट 195 के अलावा? और कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो ठीक है, तो फिर हम लोग कुछ कुछ पढ़ाई कर लेते हैं आज के लिए। लास्ट क्लास में हम लोग का डाइपोल मोमेंट तो कंप्लीट हो चुका था, तुम लोग वो बोले थे कि हम लोग क्लास में रेजोनेंस वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, और रेजोनेंस वाले पार्ट के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग आराम से बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट, बॉन्ड लेंथ वाले पार्ट का कंपैरिजन कंसीडर करना शुरू कर सकते हैं। तो एक एक करके डिस्कशन करना शुरू करते हैं हम लोग। हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, ऑल्दो ये रेजोनेंस वाला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेजोनेंस थोड़ा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, यहाँ पर डिस्कशन पुट अप किया जा सकता है। और हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, तो जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस रिफर टू केमिकल बॉन्डिंग रेजोनेंस कर देंगे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। चलो हेडिंग डाल दो रेजोनेंस और वहां पे पॉइंट मेंशन कर लो। हेलो, आवाज आ रहा है तुम लोगों? यस सर। नेट तो आ रहा है यार, नेट तो गायब हो गया इधर, स्क्रीन दिख तो रहा है बट स्क्रीन पे हम कुछ कर रहे हैं तो जा नहीं रहा, नेटवर्क गायब हो गया। नेट गया क्या? हाँ नेटवर्क गायब हो गया। आज का साथ यही तक का था क्या? लग तो ऐसा ही रहा यार, नेटवर्क गायब हो गया। आपका स्क्रीन भी नहीं आ रहा आपका? हाँ नेटवर्क गायब हो गया, तो मेरा फोन में, मेरे फोन के नेट से वो चल रहा है ना, मतलब फोन में मीटिंग ले रहे होते हैं तो इसीलिए आवाज आ रहा है मेरा। नेटवर्क गायब हो गया क्योंकि बाकी सर लोग के भी नेट गायब हो गए, बाकी सिस्टम से भी। चलो ठीक है, तो नेट ही गायब हो गया है, चल मारो और क्या तुम लोग, इसमें और क्या बोल सकते हैं? हम पढ़ाई जा रहे हो क्या कर सकते हैं? हाँ यार नेट गायब हो गया है, तो क्लास एंड करते हैं तुम लोगों का आज के लिए। मेरे हिसाब से क्लास रखने का ज्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा, पता नहीं नेट कब आएगा, अगर आता है तो लिंक भेज देंगे, बट हमको नहीं लगता है कि शायद आएगा क्योंकि लाइट चला गया है, शायद इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ठीक है, छुट्टी मारो तुम लोग, दिवाली का तैयारी करो और क्या, बाकी हो सकता है कि दिवाली के टाइम के जस्ट बाद एक दो दिन के बाद तुम लोग का क्लास हम लोग कंटिन्यू कर ले, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि दो तीन दिन तक हम लोग बस छुट्टी में रहेंगे और उसके बाद फिर 15 तारीख के बाद मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस हम ले रहे होंगे। अब ऑल्दो हम अपने घर जाकर के क्लासेस ले रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे इंटरनेट के कनेक्शन का हमको आइडिया नहीं है कि वहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन कैसा रहेगा, अगर वहाँ पे नेट का कनेक्शन अच्छा नहीं रहा तो फिर हम कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे तुम्हारी यूट्यूब पे, उन लेक्चर्स को तुम लोगों को देखना होगा, बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं रखेंगे, 20-25 मिनट का ही लेक्चर रखेंगे, बट वो रिकॉर्डिंग करके हम लोग आराम से यूट्यूब पे डालना शुरू कर देंगे, तुम लोगों को लिंक भेज देंगे, तुम लोगों को लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स भी बनाने हैं उन लेक्चर्स को देख देख के, इस एक चीज का ध्यान रखना, बट डिपेंड करता है कि नेटवर्क का कनेक्टिविटी कैसा है। हाँ ये है कि अगर किसी को कोई डाउट पूछना होगा, इनकेस मतलब कि कोई एक लेक्चर देख रहे हैं उस लेक्चर वाले पार्ट में कोई भी डाउट पूछना होगा कहीं पे भी, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम वाले ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं आराम से, और हम इधर वर्बली उसका रिप्लाई कर देंगे या फिर एक छोटा सा वीडियो बना करके उसको वहां पे पोस्ट कर देंगे ताकि वो चीज़ आराम से समझ में आना शुरू हो जाए। तो थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में मतलब 15 तारीख के बाद से क्लासेस इधर लाइव मोड में ले रहे होंगे वापस से जैसा चल रहा है, और अगर नहीं होगा तो शायद हो सकता है छठ तक बस हम लोग रिकॉर्डिंग करके डालें, क्योंकि छठ के बाद हम लौटेंगे, तो
उसके बाद फिर क्लासेस तुम लोग का लाइव शुरू हो जाएगा वापस से, बट लेक्चर्स चल रहे होंगे, लेक्चर्स रुकेंगे नहीं तुम्हारे। हम लोग छोटा छोटा एक वीडियो बना बना के एटलीस्ट हम केमिस्ट्री का डालेंगे, वो लेक्चर्स तुम लोग को देखना होगा। और निहार सर का क्लास चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुंदन सर का भी क्लास चलेगा क्योंकि लोग ऑलरेडी पहले से ही घर से क्लासेस ले रहे हैं, तुम लोग को नेट वगैरह का कोई इशू नहीं रहेगा। मेरा क्लास थोड़ा बहुत हो सकता है तुम लोग को एडजस्ट करना पड़े। तो हैप्पी दिवाली सभी को, पटाखे वटाखे छोड़ो, तो पटाखे वटाखे छोड़ो थोड़ा और मजे मारो, ठीक है? हैप्पी दिवाली सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक ठीक, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। लो का थैंक यू का आवाज ज्यादा जोर से आ रहा है, क्लास के टाइम पे आवाज नहीं आता है, हैप्पी दिवाली के नाम पे आवाज पूरा तेजी से आ रहा है, एनर्जी आ जाता है। हाँ सही बात है, सही बात है। चलो ठीक है, ओके।